परम मैं जो प्रयोग करवाना चाहता हूं ध्यान के द्वारा, जिसकी प्रेरणा तुम्हें देना चाहता हूं, वो ये है कि तुम्हारे हाथ में दिया भी होना चाहिए, दूसरी बात तुम बोल दो ठीक है कि नहीं है? दिया भी होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए और शांति भी होनी चाहिए। अथवा मनोवैज्ञानिक बात भी सुन लो, जब तक ये दोनों बातें तुम्हारे जीवन में नहीं आ जाती, यानी शक्ति भी और शांति भी, जब तक ये दोनों बातें तुम्हारे जीवन में नहीं आ जाती हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड नहीं होगी, जिसको हिंदी में कहते हैं परिपूर्ण व्यक्तित्व, अखंड व्यक्तित्व, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुम अपने व्यक्तित्व को देखो, जरा खोज करो उसके अंदर, वो टुकड़ों में बटा हुआ है, खंड खंड उसके टूटे हुए हैं, वो जोड़ नहीं पाया है आज तक, और ये जुड़ेगा तभी, ये अखंड तभी होगा, परिपूर्ण व्यक्तित्व तभी होगा, जबकि ये दिया भी हो और तलवार भी हो, यानी शांति भी हो और शक्ति भी हो, जब ये दोनों जीवन के अंदर आती है तब जाकर के व्यक्तित्व में परिपूर्णता आती है, व्यक्तित्व पर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी आती है, जिसके ऊपर आज विश्व के चोटी के विचारक बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं कि कैसे मनुष्य के अंदर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी पैदा की जाए, कैसे मनुष्य के व्यक्तित्व में परिपूर्णता लाई जाए। मैं सीधी सी बात है, एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक रस्ता है, आप कहोगे हम खंडित जी रहे हैं, आपको क्या मतलब गरज महाराज, परिपूर्ण व्यक्तित्व लेके हम क्या करेंगे, मैं बताता हूं क्या करोगे। एक रस्ता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर दो, उसके सूत सूत अलग कर दो, सूत सूत अलग कर दो और एक छोटे से बच्चे को दे दो तो वो भी उसे तोड़ देगा, और उसी सूतों को एक साथ इकट्ठा करके रास्ता बना दो, जिससे तुम यहां बैठे हो सब मिलकर उसे तोड़ सकोगे, नहीं तोड़ सकोगे उससे, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड हो गया, क्योंकि वो परिपूर्ण हो गया, क्योंकि वो जोड़ करके एक हो गया है, अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो खंडित व्यक्तित्व है उसमें क्या है कि बाहर की थोड़ी सी भी चुनौतियां आएंगी, जीवन है क्या चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, कुल इतना तो जीवन है ही है, चैलेंजेस आते हैं, रिस्पॉन्स करना पड़ता है, बिना रिस्पॉन्स किए तुम रह नहीं सकते हो, यही इतना कुल जीवन है। तो जो अगर व्यक्तित्व कमजोर है, खंडित है, तो जरा भी चुनौती आएगी, जरा सी बात आएगी तुम्हें तोड़ देगी, क्योंकि सूत अलग है, छोटा सूत टूट में बट गया है रास्ता, और उसी को जोड़ करके तुम्हें एक करके रास्ता बना दो अपने व्यक्तित्व को, तो बड़ी से बड़ी भी अगर चुनौती आएगी तो तुम्हें हिला नहीं सकेगी। कृष्ण ने कहा चेतना कैसी होनी चाहिए, जैसे वायु रहित स्थान पर रखे हुए दिए के सदृश। कैसे बनेगी ये वायु रहित स्थान पर रखे हुए दिए के सदृश चेतना, जब तक व्यक्तित्व ही परिपूर्ण नहीं होगा। तो दोनों बातों की जीवन में आवश्यकता होती है, शक्ति की भी और शांति की भी। मैं थोड़ा और जीवन की गहराई में उतरो, परिपूर्ण व्यक्तित्व के साथ ही साथ मैं यूं ये भी कहना चाहूंगा कि परिपूर्ण भाव, परिपूर्ण विचार और परिपूर्ण कर्म, भाई तीन रास्ते बताए गए हैं ना, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीन बताए गए हैं ना, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति का आधार भाव है, ज्ञान का आधार विचार है, और कर्म का, कर्म योग का आधार कर्म है। तीनों के ये तीनों आधार हैं। अब जिसके पास परिपूर्ण भाव नहीं होगा वो भक्ति योग में सफल कैसे होगा, जिसके पास परिपूर्ण विचार नहीं होगा वो ज्ञान योग में सफल कैसे होगा, जिसके पास परिपूर्ण कर्म नहीं होगा, टोटल एक्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका कर्मयोग सिद्ध कैसे होगा। और ये तीनों परिपूर्ण व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए, ठीक है ना, जब व्यक्तित्व ही परिपूर्ण नहीं है तो कैसा परिपूर्ण भाव और कैसे परिपूर्ण विचार और कैसा परिपूर्ण कर्म, कुछ नहीं होगा जीवन के अंदर। सुनो मेरी बात, परिपूर्ण भाव से दी हुई एक हवन में आहुति पूरे जीवन के लिए काफी है, परिपूर्ण भाव से एक बार उच्चारण किया हुआ ओम का शब्द
सारी जिंदगी के लिए काफी है, और मैकेनिकली यंत्रवत सारी जिंदगी तुम हवन में आहुतियां डालते रहो, यज्ञ करते रहो, और वो राम राम जपते रहो, मोम जपते रहो, कुछ नहीं बनेगा। जब तक परिपूर्ण भाव नहीं होगा तुम्हारे अंदर, परिपूर्ण भाव से दी हुई एक आहुति बहुत होती है सारी जिंदगी के लिए। मैंने तो एक ही आहुति दी थी हवन के अंदर, दोबारा कभी नहीं दी, ना कभी दूंगा, ना देने की मुझे जरूरत पड़ी है। एक बार परिपूर्ण भाव से उच्चारण किया था, तो परिपूर्ण व्यक्तित्व जब तक जब नहीं, और परिपूर्ण व्यक्तित्व कभी तब बनेगा जबकि शक्ति भी होगी और शांति भी होगी।